नमस्कार, मैं हनीमेश चौबे। आप सभी का ग्रेट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे पहले 5G स्मार्टफोन यानी रियलमी X15 Pro के बारे में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, स्पेसिफिकेशन जानने को मिल जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों, इसमें आपको दो सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, जिसमें आप दो नैनो सिम लगा सकते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो इस स्मार्टफोन का वेट 202 ग्राम्स है। तो चलिए दोस्तों, इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको कलर सुपर एमुलेट स्क्रीन देखने को मिल जाएगी मल्टी टच के साथ। अगर हम डिस्प्ले साइज की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.57 इंच का डिस्प्ले 1080 एंड 2400 पिक्सल्स के साथ। अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। चलिए इसके मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है 12GB का रैम। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 256GB का इनबिल्ट स्टोरेज। इस स्मार्टफोन में मुझे एक खास जो डिसपॉइंटिंग बात लगी हुआ है कि आप इसमें अलग से मेमोरी कार्ड लगा नहीं सकते, अलग से आप इसमें मेमोरी कार्ड इंजेक्ट नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी के मामले में बात करें तो यह इसमें आपको 3G 4G 5G इसमें सारे सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, और यह स्मार्टफोन वोल्ट ही सपोर्ट करता है। इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिलता है इन डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इसमें आपको मिलता है फेस अनलॉक। अगर हम सेंसर की बात करें तो इसमें आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सारे सेंसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम हेडफोन की बात करें तो इसमें आपको दिया गया है 3.5mm का ऑडियो जैक। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कैमरे की। इसमें आपको रियर में 4 कैमरे को देखने को मिल जाएंगे। पहला कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिल जाएगा। इसमें दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का f2.5 अपर्चर के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर हम तीसरे कैमरे की बात करें तो तीसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का 2.3 अपर्चर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। चौथा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल f2.4 अपर्चर के साथ देखने को मिल जाएगा। इसमें 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा वाइड एंगल के लिए दिया गया है, और 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा टेलीफोटो लेंस के साथ दिया गया है, और 8 मेगापिक्सल का कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए दिया गया है। 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे की बात करें तो वो आपको पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए दिया गया है। अगर इस कैमरे के फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आप 4K की हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसमें आप स्लो मोशन का भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 2 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, पहला जो है 32 मेगापिक्सल का और दूसरा 8 मेगापिक्सल का। अगर हम इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके सीपीयू की बात करें तो इसमें आपको 2.84 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को ही मिलता है। अगर हम इसके जीपीयू की बात करें तो आपको इसमें मिलता है एड्रिनो 650 का इसमें आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगा। अगर हम बैटरी की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 3200mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाती है। अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 30 वाट का वूक फास्ट चार्ज। अगर हम इसके टॉक टाइम की बात करें तो इससे आप 15 घंटे लगातार आप बात कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी रुकावट आने वाली नहीं है। और इसका प्रोसेसर भी काफ़ी हाई क्वालिटी का दिया गया है, जिससे आप एसफॉल्ट 9, पबजी जैसे हाई क्वालिटी के गेम आप आसानी से HD फ्रेम रेट में खेल सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।